गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। एक समय की बात है, एक था पापा भालू, एक थी ममा भालू और एक था बेबी भालू, जो जंगल में एक छोटे से घर में रहते थे। और एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था गोल्डीलॉक्स, जो अपने परिवार के साथ रहती थी। एक सुबह गोल्डीलॉक्स खेल रही थी और खेलते खेलते वो जंगल में जा पहुंची। उस सुबह तीन भालुओं ने नाश्ते के लिए दलिया बनाया था। दलिया बहुत ही गर्म था तो उन्होंने सोचा कि हम जंगल में घूम कर आते हैं। जंगल में चलते समय गोल्डीलॉक्स को एक घर मिला, एक बड़े दरवाजे वाला। वो अंदर जाने के लिए बहुत उत्सुक थी तो वो आगे गई और उसने दरवाजा खटखटाया। हेलो, क्या अंदर कोई है? किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो सीधे अंदर चली गई। उसने एक मेज देखी, उस मेज पर दलिये के तीन कटोरे पड़े थे। गोल्डीलॉक्स को भूख लगी थी। दलिये की खुशबू तो बहुत अच्छी है, चलो थोड़ा चख लेती हूँ। वो पहले कटोरे के पास गई और दलिये को चखा। आउच, ये दलिया बहुत गर्म है, मेरी टंग जल गई। तो उसने दूसरे कटोरे से दलिया चखा। ये दलिया तो बहुत ठंडा है। अब उसने आखिरी कटोरे का दलिया चखा। ये दलिया बिल्कुल सही है। नाश्ता करने के बाद वो थोड़ा सा थक गई थी तो वो बैठने के कमरे में चली गई, जहां उसने तीन कुर्सियां देखी। गोल्डीलॉक्स पहली कुर्सी में बैठ गई अपने पैरों को आराम देने के लिए। ये कुर्सी बहुत बड़ी है। तो वो दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। ये कुर्सी भी बहुत बड़ी है। तो वो तीसरी और सबसे छोटी कुर्सी पर बैठ गई। ये कुर्सी बिल्कुल सही है। पर जैसे ही वो आखिरी कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई। ओ नहीं! गोल्डीलॉक्स अब बहुत थक गई थी। आराम के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी तो उसने सोचा कि ऊपर बेडरूम में जाया जाए। वो पहले बिस्तर पर लेटी। ये तो बहुत सख्त है। फिर वो दूसरे बिस्तर पर लेटी। ये तो बहुत मुलायम है। फिर वो तीसरे बिस्तर पर लेटी। ये वाला बिल्कुल ठीक है। जब वो सो रही थी, तीनों भालू घर आए। किसी ने मेरा दलिया खाया है, डैडी भालू गुर्राया। मुझे लगता है किसी ने मेरा दलिया भी खाया है। किसी ने मेरा दलिया भी खाया है और पूरा खा लिया। कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा था। कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा था और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा और देखा जाए। जब वो ऊपर बेडरूम में गए, पापा भालू गुर्राया। कोई मेरे बिस्तर पर सोया था। कोई मेरे बिस्तर पर भी सोया था। कोई मेरे बिस्तर पर भी सोया और वो एक मनुष्य है और वो अभी तक सो रहा है, डरे हुए बेबी भालू ने कहा। जैसे ही तीनों भालू उसके पास गए, गोल्डीलॉक्स उठ गई। बचाओ, बचाओ! वो उठकर सीढ़ियों से नीचे भागने लगी, दरवाजा खोला और जंगल में भाग गई।
और फिर लौट कर कभी नहीं आई।